लुचि लुचि माओवादी बिछाई मृत्युर जाल घंच जंगल चली जोरसोर सर्च ऑपरेशन हठात घटला भयंकर विस्फोरण हुतु हुतु हो चलीगले पांच पांच जन जवान चित्कार रे फाटी पड़ुछि पूरा अंचल एते दिन धरी सुजोग अपेक्षार बसी रही माओवादी से गोटे परे गोटे योजना करी चलिथिबा बेले जंगल भितरे लुचाई रखिथिले भयंकर विस्फोरक जो खबर पाइबा परे विलंब नकरी सर्च ऑपरेशन बाहरी पड़ा पूरा टीम समस्ते चीचान लगाई विस्फोरक खोजिबारे लागि पड़ा बेले शेषे विस्फोरक लगिता तार उपर पड़ा नजर आठने लगता बम को निष्क्रिय करने को पूरा टीम लग पड़ा बेले अचानक हाथ में फुटी बम आटे भयंकर विस्फोरण जो थे हुतु हुतु हो चलीगले पांच पांच जन सीआरपीएफ जवान आज्ञा आज सका सका यह अघटन घटी जा तेरे यह विस्फोरक चीना गालोर क्यांप ठार प्राय 350 मीटर दूर से घटी छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में माओवादी द्वारा लग जा आईईडी विस्फोरण में आज सुरक्षाकर्मी आहत होती जहाक नहीं पुलिस सूचना देती आज दिनांक 29 सितंबर 2024 को प्रातः 7 से 7:30 के मध्य चीना गालोर से सीआरपी की टीम दीवानी ड्यूटी के लिए बाहर निकली थी। दीवानी के दौरान आईडी डिटेक्ट हुआ था। आईडी को डिफ्यूज करने के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ जिसकी चपेट में आने से 5 जवान घायल हुए हैं जिन्हें सभी को साधारण चोटें आई है जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला बीजापुर के जिला अस्पताल में लेकर आया गया है। अभी सभी जवान खतरे से बाहर। एक घटना तरेम पुलिस स्टेशन सीमा अंतर्गत घटी बेले सुरक्षाकर्मी एक टीम उक्त अंचल चीना गालोर सीआरपीएफ क्यांप रु विस्फोरक सामग्री बाहर करने को बाहरी पुलिस पक्ष जमापड़ तेरे आईडी चिन्हट एवं नष्ट ऑपरेशन समय सुरक्षाकर्मी विस्फोरक सहित लगी तार को लक्ष्य करते आ तारे लगी बोमा खोजुवा बेले विस्फोरण घटी जो थे 5 सुरक्षाकर्मी आहत होती तेरे जवान माने एभली भाव आहत होती जहाँ को देखिले लोम मूल ठाकुरी उठब से देह पोड़ चली जाता बेले से गुरुतर अच्छा तेरे प्राथमिक चिकित्सा पर अवस्था गुरुतर थी जवान मान विजयपुर जिला डाक्तरखाना को स्थानांतरित करा जायछि। मालकानगिरी जयंत तिड़ी रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।